विशेष प्रस्तुति में धनिया, अदरक और हल्दी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आधुनिक विज्ञान में धनिया पत्ती के फायदे की दिशा में शोध भले ही पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुए हैं, पर प्राचीन चिकित्सा पद्धति का यह अहम अंग रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इजिप्ट, रोम और ग्रीस में भी धनिया पत्ती का प्राचीन काल में काफी इस्तेमाल होता था। धनिया पत्ती को उगाना बेहद आसान है। इसमें पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B16, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट्स, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटासियम और आयरन होते हैं। धनिया पत्ती में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और यह एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का अच्छा स्रोत है। धनिया पत्ती में कई तरह के एसेंशियल्स ऑयल होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। अल्जाइमर बीमारी के इलाज में भी धनिया पत्ती का उपयोग किया जाता है। वहीं यह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को रोकने में भी कारगर साबित होती है। डायबिटीज के मरीजों के खून में इंसुलिन के स्तर को तय सीमा पर रखने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी धनिया पत्ती का उपयोग किया जाता है। जोड़ों में और गठिया के दर्द के निवारण और एलर्जी, पाचन, गले की समस्याओं में भी निजात दिलाता है धनिया पत्ती। हल्दी की बात करें तो भारत में हल्दी के बिना खाने के रंग और स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हल्दी सेहत का खजाना है, इस बात का वैज्ञानिक आधार भी है। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने घाव पर लगाने वाले एंटीसेप्टिक के लिए हल्दी का पेटेंट करवाया था। 1997 में इस पेटेंट को भारत के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की आपत्ति के बाद हटा दिया गया। भारत का दावा था कि भारत में हजारों साल पहले से हल्दी का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता रहा है। इसमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है जो सूजन कम करने में मदद करता है। हल्दी त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करने में भी मददगार है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अदरक, पेट खराब होने पर कभी आपने अदरक खाया है तो आप इसके गुणों से चित्र परिचित होंगे। 2009 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक उल्टी रोकने की दवा के साथ साथ अगर अदरक का सेवन किया जाए तो कीमोथेरेपी के कारण आने वाले चक्कर को मरीजों में 40% तक कम किया जा सकता है। वही गर्भावस्था के दौरान अगर पहले 3 माह गर्भवती महिला को अदरक वाली कोई डिश सुबह सुबह दी जाए तो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। गांव घर में इसे सौंठ के नाम से जानते हैं, जो अदरक को सुखाकर बनाया जाता है। रक्त संचार को ठीक करने और कमर दर्द को दूर करने में भी अदरक को कारगर पाया गया है। विभिन्न शोधों में यह बात भी सामने आई है कि अदरक मांसपेशियों में होने वाले दर्द, जलन, माइग्रेन, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने के साथ साथ कोलोन कैंसर और ओवेरियन कैंसर की कोशिकाओं के विकास की गति को कम करने या उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में भी उपयोगी साबित हुई है। कई शोध यह भी दावा कर चुके हैं कि अदरक खून को पतला कर उनके सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम के इलाज में अदरक का इस्तेमाल तो आम बात है। ये सभी जो हम लोगों ने चर्चा की, ये सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं जो इनविट्रो किए गए हैं, इसीलिए कोई भी बिना किसी चिकित्सक की सलाह के घर में उपयोग ना करें।